मैं राज साहब से गुजारिश करूंगा, जैसे अदालत ने बताया ट्रेड यूनियन काउंसिल के ये प्रेसिडेंट थे और ये अगर सर में हमें अपनी एडवाइस दिलवाएं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन हो। राज साहब अशम साहब, आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि मुझे अमीन नहीं थी, मुझे बुलाई थी सुनने के लिए आया। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी बहन है ये बैठी है आगे, ये बेटी लगती है मेरी, मगर बहन में क्या सकता हूँ। मैं बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई आपकी स्पीच सुनी। मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं कहता हूँ किस लिए, जब मैं प्रेजेंट था टी यू सी का 2013-2014, उस वक्त मेरी स्लोगन थी परिवार की मुसलमान बच्ची हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी बच्ची हैं वहाँ कम्यूनिटी में, वो इतना इन्वॉल्व नहीं रहे, नहीं रहे जैसे पहले कश्मीरी पाकिस्तानी 1960s-70s में इन्वॉल्व नहीं थे। तो मेरी हमेशा स्लोगन होती थी, मैं कहता था लोगों को भाई आप जो है ना एक यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बने तब आप एक बन सकें वॉइस द वॉइसलेस ना। मैंने कहा था 25 सालों के पहले, फिर दोबारा रिपीट किया 2013-14। जब मैंने देखा आज नोटिस में लिखा हुआ है भाई JKTV भाई वी कैन बी अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। वजह है कश्मीर में जो जुर्म हो रहे हैं ना वो बेचारे लोग बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। इस मुल्क में हम इंडिपेंडेंटली आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए मेरी बड़ी खुशी हुई है। मैं भी लीड शहर बन कर रहने वाला हूँ, तो मैं पहली स्पीच कर रहा हूँ पंजाबी से उर्दू में, मैं हमेशा अंग्रेजी करता है, मगर मैं देखा जितने भी आदमी स्पीचेस कर रहे हैं पहले उर्दू में कर रहे हैं, पहाड़ी में कर रहे हैं, फिर मैं देखा भाई मुझे भी यही करना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था मुझे बुलाएं, मुझे बुला लिया। हाँ ज़रूर आपके साथ इस्तेफाद करेंगे। मैंने हमेशा आगे किया भी जितनी देर इंडिपेंडेंट मीडिया ना हो, किसी ज़माने में जो है ना इस मुल्क में BBC एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर की जाए थी, मैं अभी उनको कंसिडर नहीं कर रहा इंडिपेंडेंट। इसलिए जो आपने कहा ना भाई हम TV स्टेशन चलाएंगे, वो हर पोलिटिकल व्यू के ख्याल के लोगों को मौका दिया जाएगा। कि मुझे मालूम है, मैंने कहा भी है कि कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इंग्लैंड में बहुत सारी, उनका मुझे दुख सदमा ये है, इत्फाक होना चाहिए ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस मुल्क में जो है ना किसी ज़माने में 152 ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस सारों के लिए काम करती है। इसलिए मैंने हमेशा आज तक अपील करता हूँ भाई जो कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने अपने ख्याल आते हैं, अपने अपने एजेंडे, मैं उनको सबको सपोर्ट करता हूँ। मैंने कभी कहा ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं या दूसरी ठीक नहीं, क्योंकि मेरा एक्टिविटी है एक ट्रेड यूनियनिस्ट, हम मजदूरों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मजदूर, कोई बस ड्राइवर हो, क्लीन हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी है। इसीलिए कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है ना, मैं उनको अपील करूँगा सबसे पहले आप इत्फाक करने के मौका है भाई, एक इंडिपेंडेंट TV स्टेशन सेटअप हो रहा है, ये हमारा ये एक वॉइस बन सकता है सब ऑर्गेनाइजेशनों के लिए। इसलिए आप इत्फाक करें फंड रेजिंग के लिए भाई, हम कैसे इत्फाक कर सकते हैं, एक कॉमन एजेंडा है, एक एजेंडा जैसे TUC बनाई थी ना उन्होंने, एक उसको फंड भी किया जाता है जितनी भी यूनियन मेंबरशिप है। मैं आपको बताऊँ भाई हर आदमी जो है ना ट्रेड यूनियन मेंबर £2.82 सालाना जो दिया जाता है TUC को, उनकी मेंबरशिप है नियरली 8 मिलियन, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ऑटोमेटिकली £58 मिलियन सालाना मिल जाता है। इस TV स्टेशन के लिए जो है ना स्टेबिलिटी के लिए हमें पैसे चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड नहीं कर सकती जितनी देर उसकी फंडिंग प्रॉपर ना हो। कमर्शियल की बात की है इन्होंने, कमर्शियल भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी उनके भी अपने होते हैं, मजबूर होती है, मजबूर बस्ती होती है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मगर मुझे मालूम है और कोई तरीकाकार नहीं है कि वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी TV स्टेशन से आए हैं स्काई पे हैं जो और हैं उनको कमर्शलाइज करना पड़ेगा। हम आपकी बात कर साथ देंगे, जो ट्रेड यूनियंस हैं जितनी भी हैं अप एंड डाउन मुल्क में, स्टिल मेंबरशिप उनकी 6.5 मिलियन है, वो उनकी एडवर्टाइजिंग इन फ्यूचर आने के लिए, कि ट्रेड यूनियन चाहती हैं भाई कश्मीरी लोग जो यूनियन मेंबर बने वो पार्टिसिपेट करें, वो एक्टिव भी हों। अगर ट्रेड यूनियन मेंबरशिप कश्मीरी लोग यहाँ बैठे होंगे कहीं
ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप ऑलरेडी हो, अगर नहीं है आप मेंबर बने एक्टिव कि जितनी भी ट्रेड यूनियन ब्रांचेज उनके पैसे होते हैं, इसके अलावा जब वो पैसे डोनेट कर सकते हैं 50 pounds, 100 pounds, 200 pounds, उनके पास पैसा थोड़ा नहीं है, बेहद पैसा है अगर वो डोनेशन करना चाहे। इसलिए मैंने मेरी बहन ने कहा था, मेरी बेटी ने कहा था, कोई वक्त वो ले रही हैं, मगर मुझे बड़ी दिलचस्पी थी वो बातें करें, मैं थोड़ी बातें कम थी करूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि ग्लैम साहब ने जो अपने ऑर्गेनाइज किया है, आप इस शहर में आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो बुलाया जाएगा आपको, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा वो क्या बोलेगा, हमने जहाँ पे 50,000 से ब्रैडफोर्ड में से कोई आदमी खड़ा होगा वो कहेगा मैं आपके लिए 50,000 रेज किया, ऐसी पैसे की जरूरत है इनको, ये मौका हमें सपोर्ट करने का इनको, तो इसके लिए जो इंडिपेंडेंस ने क्या है भाई, टोटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, मेरी इसके लिए बड़ी खुशी है कि कश्मीरी लोगों के लिए जितनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको सबको हिस्सा मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए अपने ख्याल पेश करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू ब्रैडफोर्ड। Okay, thank you very much, Taj Sahab.